वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तीनों चीज लेके आया है। एक हारमोनियम तो है, आप लोगों को पहले दिखाया है, ये सेवन स्केल का हारमोनियम है। ये नया एकदम नया है, आज ही डिलीवरी है इसका, देना पड़ेगा तो। और इसका साथ एक है, एक तानपुरा, ठीक है। ये डिजिटल तानपुरा होते हैं, इसमें आप लोग स्केल एडजस्ट कर सकते हैं। स्केल एडजस्ट करके इसका वॉल्यूम भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक में चलता है, इलेक्ट्रिक में दिया है। और एक लाया है गिटार, मतलब गिटार का साउंड भी हम दिखाएंगे कैसे, इसका टोनल क्वालिटी क्या है। उतना ज्यादा कॉस्ट इसका नहीं है और इसका पिकअप भी लगा हुआ है, तो ठीक है। पहले हम इसका हारमोनियम का ट्यून सुनाते हैं आप लोगों को। तो देखिए, डिशअप का चल रहा है, हम एक कोशिश कर रहा है मारुबिया बजाने का, तो देखते हैं कैसा लगता है। किया है। और ये जो है तानपुरा, तानपुरा को इसका अपना खुद स्पीकर भी है,
इसमें स्पीकर में डाल के उसका टोन लेके आप लोग कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी स्केल पर डाल सकते हैं और इसको लेके आप लोग हारमोनियम प्रैक्टिस कर सकते हैं, रियाज कर सकते हैं। तो ये हम बोला है, पहले भी बोला है, अगर किसी को हारमोनियम का चाहिए, हारमोनियम को लगेगा स्टूडियो में तो लगता ही है हारमोनियम, और ये भी लगता है तानपुरा डिजिटल तानपुरा लगता है, क्योंकि जो तानपुरा होता है एनालॉग जो होता है उसका जो तार होता है स्ट्रिंग्स होता है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है मतलब ठंडा में थोड़ा उसका ये हो जाता है, तो ट्यून बिगड़ जाता है, तो इसीलिए ये डिजिटल जो है इसमें काम बहुत अच्छा होगा और थोड़ा कम वॉल्यूम ज़्यादा वॉल्यूम, और इसमें ऊपर में कीबोर्ड भी लगा हुआ है, कौन सा स्केल में आप देना चाहते हैं वो भी आप दे सकते हैं, मतलब अभी डिशर्प में है इसलिए डिशर्प का रेड सिग्नल इंडिकेट कर रहा है, तो इसका हिसाब से हम डिशर्प में बजा रहे हैं। सेवन स्केल मतलब इसका मिडिल जो है मिडिल से राइट साइड में आप तीनों जा सकते हैं राइट में और लेफ्ट में भी तीन आ सकते हैं, सी सी शार्प डी सी नेचुरल है और सी शार्प डी डी शार्प है, तीनों स्केल राइट में है और बी ए शार्प ए लेफ्ट में तीनों स्केल, ठीक है। उसके बाद हम गिटार दिखा रहे हैं, एक इसका टोनल क्वालिटी भी बहुत अच्छा है, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। तो गिटार का देखिए ये उतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, मतलब गिटार का ट्यून अच्छा ही है, थोड़ा डिटेल हुआ हो गया है तार, इसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा, ये आप लोग बजा सकते हैं। इसका पिकअप भी लगा हुआ है, मतलब होता है कुछ कुछ प्रोग्राम में होता है, प्रोग्राम में जाके कॉर्ड देना पड़ता है, वो माइक्रोफोन से होता नहीं है, इसलिए इसके अंदर पिकअप है, तो पिकअप वाला गिटार इसके हिसाब से इसका जो कॉस्टिंग है कॉस्टिंग के हिसाब से बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, तो एक बार आप लोग अगर रिक्वायरमेंट होगा हमको बोल दीजिएगा, उसके बाद हम इधर से आपको भेजेंगे, और इसका बहुत सारा मॉडल भी है, तो ये एक नॉर्मल मॉडल का है, इससे भी अच्छा मॉडल का भी मिलता है, तो थोड़ा बेस ज्यादा है इसका, इसीलिए देखिए
अच्छा है, और भी इससे भी अच्छा टोनल क्वालिटी का गिटार होता है। नॉर्मली गिटार में क्या होता है, इसका जो ये घाट होता है मतलब जो ट्यून हम लोग करते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग प्रेशर में बजाते हैं, उसके लिए गिटार के ऊपर थोड़ा टेंशन आता है, तो इसके वजह से थोड़ा कम हो जाता है। तो ट्यून कर लेना पड़ेगा आप लोगों को, ट्यून करके, और ट्यूनर भी होता है, मतलब आप लोग अगर ट्यून करने के लिए अगर आपके पास ट्यूनर है नहीं तो ट्यूनर भी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ है, और दूसरा दिन हम और तीनों चीज़ लेकर बैठेंगे कीबोर्ड के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कॉस्टली कीबोर्ड अभी निकल रहा है, रोलैंड का निकल रहा है इस महीने में निकलेगा, फैंटम सीरीज का फैंटम G7 G6 और G8 निकलेगा। तो अगर हो सके तो हम G6 के ऊपर एक डेमो ले लें, तो आप लोग थोड़ा वॉच करते रहिए, और हमारा चैनल में अगर एंट्री होने के लिए तो हम दिए हैं लास्ट जो ट्यूटोरियल दिया है उसमें बोल दिया है, जिसको एंट्री होना है उसका नेम और उसका लोकेशन ये हमको बोलना चाहिए, तब हम उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और हमारा ग्रुप में ऐड हो गया क्योंकि हम बहुत सारा उसमें आर्टिकल देते हैं और उसके साथ साथ क्या क्या करना पड़ता है वो भी हम बोल देते हैं। तो वो जो आर्टिकल हम जो देते हैं वो हम चैनल में दिखा दे, क्योंकि कल रात में हम एक आर्टिकल दिए है, तो हम लोग रिवर्ब यूज करेंगे, कौन सा ट्रैक का ऊपर करेंगे, मोनो ट्रैक और स्टीरियो ट्रैक, मतलब रिवर्ब का ट्रैक चैनल कौन सा होगा मोनो ना स्टीरियो, तो उसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करने के लिए बोला है, उसके बाद हम ट्यूटोरियल देंगे तो हम समझा देंगे इसलिए हम देंगे और क्यों हम देंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप लोग वॉच करते रहिए और हम एक एक करके आप लोगों को साथ करेंगे। Thank you.